हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि हिंदी विषय के हर विषय पर, हिंदी विषय में से संबंधित हर टॉपिक पर, हर विषय पर मैं आपसे के साथ चर्चा कर सकूं। उसी के अंतर्गत हम समय समय पर गद्यांशों और पद्यांशों की व्याख्या पर भी चर्चा करते रहते हैं। आज के अध्याय में हम अथातो गुप्मकर जिज्ञासा, जो कि एक निबंध है और यह घुमक्कड़ शास्त्र से लिया गया निबंध है, इसमें से लिए गद्यांश पर चर्चा करेंगे। और दूसरा गद्यांश हमने लिया है रस आखेटक, जो कि एक ललित निबंध है। आज हम इन दोनों निबंध में से लिए गए दो गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और मैं आज का अपना पहला गद्यांश पढ़ रही हूँ। शास्त्रों में जिज्ञासा जैसी ऐसी चीज के लिए होनी बतलाई गई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो। व्यास ने अपने शास्त्र ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर जिज्ञासा का विषय बनाया। व्यास शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना। पुराने ऋषियों में मतभेद रखना हमारे लिए पाप की भी वस्तु नहीं है। आखिर छह शास्त्रों के रचयिता, छह आस्तिक ऋषियों में आधो ने ब्रह्म को धत्ता बता दिया है। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। कहा जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि को पैदा, धारण और नाश करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। पैदा करना और नाश करना दूर की बातें हैं। उनकी यथार्थता सिद्ध करने के लिए ना प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है और ना अनुमान ही। दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही ना ब्रह्मा के ऊपर है, ना विष्णु और विष्णु के, और ना ही शंकर के ऊपर है। दुनिया दुख में चाहे हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहां से 200 कोस दूर। दोस्तों, ये हमारा आज का पहला गद्यांश था जिसे हमने राहुल सांस्कृत्याय द्वारा रचित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध से लिया है। और साथ ही साथ यह निबंध घुमक्कड़ शास्त्र में संकलित है। चलिए दोस्तों, अब हमने ये इसका प्रसंग जान लिया, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें हमें लेखक ने समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में ब्रह्मा विष्णु शिव चाहे कोई सत्य है या नहीं है, लेकिन घुमक्कड़ी एक ऐसा सत्य है जिसने दुनिया को घूमने वालों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो लेखक के अनुसार घुमक्कड़ी से बड़ा कोई व्रत नहीं है और घुमक्कड़ी से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से दुनिया को नई नई बातों का, नई नई खोजों का पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या को जानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन घुमक्कड़ी का महत्व समझाने से पहले जिज्ञासा की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जो श्रेष्ठ वस्तु व्यक्ति और समाज दोनों का हितकारी हो, उसको जानने की अभिलाषा ही जिज्ञासा कहलाती है। प्राचीन काल में महर्षि व्यास ने ब्रह्म को और उनके शिष्य जैमिनी ने धर्म को जिज्ञासा का विषय माना है, किंतु लेखक कुछ एक अन्य प्राचीन ऋषियों की भांति ब्रह्म अथवा ब्रह्म की जिज्ञासा का विषय नहीं मानता। उसका विचार है कि संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है। घुमक्कड़ी से ही व्यक्ति और समाज का कल्याण संभव है। अतः घुमक्कड़ी ही एकमात्र जिज्ञासा का विषय हो सकती है। लेखक का कहना है कि समाज में यदि कोई सच्चा हितकारी है या फिर हो सकता है तो वह केवल घुमक्कड़ ही हो सकता है। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति व्यक्ति को जीवन का अनुभव देती है। और जन सामान्य में यह बात प्रचलित है कि सृष्टि का उत्पत्ति कर्ता ब्रह्मा है, पालन कर्ता विष्णु और विनाशक शिव है। ये सब बातें हम सभी जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, किंतु हमारे पास इन सब बातों का कोई सटीक प्रमाण नहीं है और ना ही हम इसका कोई अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन यह सृष्टि जो सबके सामने है, यह सच है। किसी ने दुनिया को दुख का घर का,
किसी ने सुख का, लेकिन सुख हो या दुख दोनों स्थिति में जो घुमक्कड़ होते हैं, घुमक्कड़ों ने ही इसे सहजता से झेला है। प्राचीन समय में भी मनुष्य घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, खेती बागवानी करता था, घर बाहर खुला घूमता था, वह आकाश में पक्षियों की भांति बहती धरती पर इधर उधर विचरण करता था। सर्दी में कहीं होता था तो गर्मी में कहीं और, उसकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति ने ही उसका विकास किया। अतः राहुल के अनुसार घूमना एक अच्छी प्रवृत्ति है। दोस्तों ये हमने जाना अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा से लिए गए गद्यांश की व्याख्या। अब हम इसके विशेष को जानते हैं, इसमें क्या विशेष है। लेखक ने घुमक्कड़ी प्रवृत्ति पर बल दिया है जिससे अनुभव प्राप्त होता है। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है। इसकी जो भाषा है वह तत्सम शब्दावली प्रधान है और इसमें विश्लेषण शैली का प्रयोग किया गया है। दोस्तों घुमक्कड़ को यायावार भी कहा जाता है। अब हम अपना दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं, फिर हम उसके प्रसंग और व्याख्या को जानेंगे। दूसरा गद्यांश शुरू कर रही हूँ दोस्तों। मेरी वैष्णवता का झुकाव आनंदकारी शैव सिद्धांत की ओर है। मेरा विश्वास आस्वादन और आनंद में है। जब मेरे मन में शाक्त भाव जोर मारता है तो धरती को माँ कहकर पुकारता हूँ। माँ तू मुझे रूप दे, जय दे, यश दे, नीच शत्रुओं का संहार कर। पर जब मैं वैष्णव भावपन होता हूँ तो रूप जय यश और शत्रु भाव से परे ऊपर उठकर शुद्ध आस्वादन खोजता हूँ और फिर मुझे यह धरती प्रिय रूप में नजर आती है। मैं इसके सम्मुख भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हूँ और यह मेरे सम्मुख अंजुरी भर रूप रस गंध लेकर खड़ी है। इसकी नजर मेरे भिक्षा पात्र पर नहीं, मेरे चेहरे पर टिकी है और मेरी नजर उसकी अंजुरी पर ना जाकर उसकी नाभि मंडल की ओर है। उसकी नजर मेरी आंखों को भेद कर आत्मा में उतर गई है और मेरी नजर परत दर परत आवरण भेदती हुई समूह के द्वार पर है। इस प्रगढ़ क्षण में मैं कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि मेरी भिक्षा उसकी अंजलि से मेरे पात्र में ना गिर कर जमीन पर गिर पड़ी है। यह मेरी किस्मत है कि भिक्षा मिली पर जमीन पर गिर पड़ी, कुत्तों का भक्ष्य बन गई और मैं खाली पात्र रह गया। धरती पछताती है एवं मैं पछताता हूँ और यह पछतावा भी जीवन का एक पाथ्य बन जाता है। यह आखिरी मंजिल तक का पाथ्य होने में समर्थ नहीं, पर कुछ रास्ता तो इससे कट ही जाता है। दोस्तों ये हमने अपना दूसरा गद्यांश पढ़ा जो कि ललित निबंधकार कुबेर नाथ राय द्वारा रचित ललित निबंध रस आखेटर से लिया गया है। दोस्तों इस निबंध में लेखक ने अपनी मानसिकता का वर्णन किया है कि उनके पिता उनको प्रोफेसर बनाना चाहते थे पर वे स्वयं जीवन अनुभव के लिए यायावाद यानी कि घुमक्कड़ बनना चाहते थे, क्योंकि मन उनका हमेशा रस के पीछे, हर एक का मन रस के पीछे दौड़ता था। लेखक, अब हम इसकी व्याख्या को जानते हैं। इसमें लेखक ने अपने मनोभाव बताए हैं कि वो किस तरह से उसका मन वैष्णव भी है और शिव की भक्ति में भी है। लेखक अपने मन के मनोभाव व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरा मन वैष्णव मन है, अर्थात उसमें गुण है, सगुणवादी है, पर मेरा मन मेरी वैष्णवता शैव सिद्धांत की ओर भी झुकी है, अर्थात मैं उसे भी स्वीकारता हूँ। दुनिया में हम आए हैं तो हमारी हर तरह की आदतें होती हैं, हमें हर तरह के हमारे मन में भाव आते हैं, कभी अच्छा भाव होता है कभी बुरा भाव आता है। दोस्तों मैं आनंद और आस्वादन दोनों लेता हूँ, यानी कि वो जिंदगी जीने का आनंद भी ले रहा है और सुख को अपने मन में भर रहा है। लेकिन जब शक्ति का भाव मुझे पुकारता है तो मेरे अंदर का अभेद भाव धरती को माँ कहकर पुकारता है और मैं शक्ति माँ दुर्गा देवी से शत्रुओं का संहार करने के लिए अपने लिए रूप यश आदि की मांग करता हूँ। और जब फिर लेखक वैष्णव भाव से जुड़ता है तो रूप जय यश आदि से अलग हो जाता है और फिर वह शुद्ध आस्वादन की खोज में घूमता है। तब उसे धरती एक प्रिया के नजर में आती है। एक रूप में तो धरती को वो माँ के रूप में देखता है और उसकी रक्षा करना चाहता है और दूसरे ही पल उसका मन धरती को अपनी प्रिया के रूप में देखता है, अर्थात शक्ति की उपासना के समय और वैष्णव की उपासना के समय मेरा भाव मेरी चाहत अलग अलग होती है। फिर लेखक कहता है कि जब मैं वैष्णव भाव से जुड़कर धरती को रसमयी दृष्टि से देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि मैं धरती के सामने भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हूँ और वह मेरे सामने अपनी अंजुली में रूप गंध रस लेकर खड़ी है, अर्थात प्रकृति के
प्रकृति में जितना मोहित हूँ उसे पाने के लिए प्रकृति भी अपना रूप गंध रस सौंदर्य देने के लिए बेचैन रहती है। वह लेखक की आत्मा तक को मोहित कर चुकी है, पर पल पल यह डर लगता है कि कहीं प्रकृति की अंजलि से मेरे प्रति यह सौंदर्य छलक ना जाए और यह मेरे भाग्य में लिखा रूप गंध रस का सौंदर्य गिरकर कुत्तों के खाने का खाना ना बन जाए। इस सोच में मैं और प्रकृति दोनों पछताते हैं और यह पछतावा भी पाथेय बन जाता है। अर्थात दोस्तों, जीवन का आस्वादन लेने के लिए यह पाथेय ही एकमात्र सहारा रह जाता है। कवि इसमें कहता है कि वह धरती को हमेशा कभी अपनी माँ के रूप में देखता है और कभी सोचता है कि जो इस धरती पर इतने सुख है वो सभी सुख मुझे मिल जाए, और उसे ऐसा महसूस होता है कि धरती यह सभी सुख उसे देना चाहती है, लेकिन ऐसा लगता है लेखक को कि वह सुख छलक जाते हैं, उसके पास नहीं आ पाते और औरों को मिल जाते हैं। अब हम इसके विशेष को जानते हैं दोस्तों। यहाँ लेखक के यायावार मन के भाव व्यक्त है, लेखक की घुमक्कड़ प्रवृत्ति रस लोलुप है, लेखक कोरा कल्पनावादी आदर्शवादी भी नहीं है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग इस निबंध में किया गया है, साथ ही साथ विश्लेषणात्मक शैली इस निबंध की विशेषता है। लेखक वैष्णव और शाक्त भाव का समन्वित भाव रखते हैं, पर फिर भी उनका झुकाव वैष्णव की ओर है। साथ ही साथ लेखक रूप रस गंध का आस्वादक है, उसको लेना चाहता है हमेशा, रूप रस गंध हर चीज वो लेना चाहता है। रसज्ञ भिक्षु को प्रकृति दोनों दात्री होते हैं। प्रकृति सौंदर्य का सुख कुछ अपात्रों को मिल जाता है जिन्हें लेखक ने कुत्ता कहा है। तो दोस्तों, ये हमने जाने आज के अपने दो गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उन्हें सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।